बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला बोला। 50 दिन बाद उन्होंने आज ये साबित करने की कोशिश की है कि अगले 20 दिन चुनावी जंग में वही मैदान पर होंगे। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए, मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। दोस्त, सुबह प्रभु का नाम लेकर अपनी रिहाई के करीब 20 घंटे बाद एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव मैदान में उतरते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्हें पता है कि T20 स्टाइल में धुआंधार खेलना ही फिलहाल उनके लिए रास्ता है। एक जिताऊ पारी खेलने के इरादे से उन्होंने अपने चीर परिचित अंदाज में सीधा प्रहार प्रधानमंत्री मोदी पर किया। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर वन नेशन वन लीडर के मिशन पर काम करने का आरोप लगाया ताकि देश में कोई और नेता नहीं रहे। केजरीवाल को चुनाव मैदान में देख इंडिया गठबंधन के नेता भी जोश में हैं। कहीं भी इस बार ये नहीं नजर आ रहा है कि मोदी और उनकी पार्टी आगे आने वाली है, जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इससे हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है, और जब आदमी हताश हो जाए, निराश हो जाए, तो स्वाभाविक तौर पे उसके पास शब्द नहीं होते हैं। सीएम तो 100 सीएम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है। केजरीवाल ने सीएम पद पर बने रहने का बचाव करते हुए बीजेपी के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले बोले। जवाब में बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ केजरीवाल के खिलाफ फील्डिंग कर रही है। मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना। 20 साल आगे की बात की है और 10 साल में उनके हालात क्या हो गए। 10 साल में आप इतने बदल गए, 20 साल बाद आप कि आपका अस्तित्व भी होगा या नहीं, अगर होगा तो किस रंग रूप में होगा, किस साज सज्जा में होगा, उसकी तो कोई गारंटी नहीं। आपको बताते हैं कि केजरीवाल हर बॉल पर क्यों छक्का मारना चाहते हैं। दरअसल केजरीवाल शुरुआती 3 दौर में सीधे चुनाव मैदान में नहीं उतर पाए थे। उस दौरान पहले चरण के असम में दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार नहीं कर सके थे, जबकि तीसरे चरण में भी 2 सीटों पर वो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने से चूक गए। अब उनका ध्यान 22 में से बाकी 18 सीटों पर टिका हुआ है। दूसरी ओर तीसरे चरण में अब तक 285 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, यानी अब अगले 4 चरणों में 259 सीटों के लिए ही उनके पास खेलने का मौका है। केजरीवाल के चुनाव मैदान में आने से हेमंत सोरेन की पत्नी को भी उम्मीद बंधी है, जबकि चुनावी मंच से हेमंत सोरेन के पक्ष में केजरीवाल बल्लेबाजी करते दिखे। ये उम्मीद भी है कि हमारे हेमंत सोरेन जी के साथ भी जल्दी से जल्दी ये खुशखबरी आए कि वो हमारे कैंपेनिंग में, झारखंड में कैंपेनिंग में और यहाँ पर में अपना सहयोग प्रदान कर सके, तो हम लोग बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए। देखना यह है कि क्या केजरीवाल अकेले दम पर पूरे विपक्ष के लिए तारणहार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।